पिछले 10-12 दिनों से उमस भरी गर्मी और चिलमिलाती धूप से परेशान लोगों को बुधवार को हुई बारिश से राहत तो मिली, लेकिन लगभग आधा घंटा तक हुई झमाझम बारिश से जगह जगह जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। बुधवार की दोपहर लगभग आधा घंटा लगातार हुई झमाझम बारिश से जुबली रोड, रेती चौक, MG रोड, सुमेर सागर, विजय चौराहा, खूनीपुर, बिलनपुर, दुर्गाबाड़ी, गाजी रौजा, लालडिग्गी सहित शहर के प्रमुख कई अन्य सड़कों पर कुछ देर तक जल जमाव की स्थिति बनी रही। वहीं काफी दिन बाद हुई बारिश का बच्चों ने भी खूब लुत्फ उठाया। बच्चे पार्कों और घरों की छतों पर बारिश के पानी में नहाते और खेलते नजर आए। आइए आज एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं गोरखपुर न्यूज के कैमरे से बारिश से हुई मिली राहत और महानगर के विभिन्न हिस्से में हुए जल जमाव की स्थिति। गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इससे अच्छी बात है कि बारिश और हो तो कुछ लोगों की और और हम लोग इससे अच्छा महसूस कर रहे हैं। 10 दिन बाद मतलब जान लीजिए कि उमस भरी गर्मी से आप लोगों को राहत मिली है, तो बहुत राहत मिली है। कैसा महसूस? महसूस ऐसा हो रहा है कि लगता है कि अब जीवन जो है जीवन के लिए ऑक्सीजन मिल गया है, और इस ऑक्सीजन यदि यहाँ बारिश नहीं होती तो कितने लोग तो तड़प कर मर जाते ना, उनके लिए तो क्या होता है, कोई हार्ट का मरीज है, कोई टीवी का मरीज है, ऑक्सीजन तो इसी से मिलता है ना, प्रकृति सुहाना हो गया। और बारिश थोड़ी और हो जाती तो जो उमस है वो कम हो जाती। बारिश हल्की हुई इसलिए उमस बढ़ गई है, अगर बारिश ही पर्याप्त हो जाती तब तो कुछ राहत महसूस होती, लेकिन उससे उमस बहुत ज़्यादा है, गर्मी से परेशानी बढ़ गई। पहले की अपेक्षा अभी कैसा? पहले की अपेक्षा थोड़ा राहत तो जरूर है।